हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ज़रूर बजाइए, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण भक्तों भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे। एक औरत जिसने मोह के वश भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को जमीन में गड़वा दिया था, बाद में उसकी बहुत बुरी दुर्दशा हुई और वह कैसे उभरी, आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक राजा राज करता था। वह राजा बहुत ही विद्वान और प्रकांड पंडित था। उस राजा के राज्य में सभी लोग बहुत सुखी रहते थे, किंतु उस राजा के राज्य में एक माली भी था। नगर में एक बड़ी सी कॉलोनी थी जिसमें बहुत सारे महल बने हुए थे। वह वहां जाता और वहां के महलों में रखवाली करता और बगीचों में नए नए फूल पौधे उगाता। जिस जिसके घर में भी वह काम करता, सब घर वाले भग्गू से बहुत खुश रहते थे। उसी नगर में धनी लाल नाम का एक सेठ था। भग्गू उसके घर में भी माली का काम करता था। भग्गू जब भी धनी लाल के घर के बगीचे में पौधों को पानी देता, मिट्टी खोदता, तो एक ऐसी जगह होती जिसमें से उसको एक कोने में से मिट्टी के नीचे थोड़ी थोड़ी आहट की आवाज आती, जैसे लगता कि कोई मिट्टी को नीचे से खटखटा रहा हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। भग्गू ने कई बार वह आवाज सुनी थी, लेकिन उसने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन हर बार जब भी वह उस जगह जाता तो उसका आवाज जरूर सुनाई देती। एक दिन भग्गू ने हिम्मत करके उस जगह को खोदा तो खोदते खोदते हैरान हो गया। उसमें से एक बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल की प्रतिमा निकली। भग्गू ने लड्डू गोपाल को बाहर निकाला। लड्डू गोपाल का शरीर गर्म था और वह मिट्टी से लथपथ थे, और भग्गू को लगा कि शायद लड्डू गोपाल की सांस भी चल रही है। यह देखकर एकदम से हैरान हो गया वह भागा भागा लड्डू गोपाल को लेकर घर के अंदर गया और धनी लाल की पत्नी को जाकर बोला, सेठानी जी, यह देखो, आपके बगीचे में से यह मुझे लड्डू गोपाल जी मिले हैं। लड्डू गोपाल को देखकर धनी लाल की पत्नी का रंग एकदम पीला पड़ गया। वह बोली, तुम इसको क्यों निकाल कर लाए हो? तो भग्गू बोला कि वहां से मुझे रोज आवाज आती थी, आज मिट्टी को खोदा तो उसमें से यह निकले। मालकिन चीखती हुई बोली, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे पीछा छुड़वाया था। धनी लाल के दो बेटे थे। ती लाल की पत्नी अपने बेटों को बहुत ही प्यार करती थी। उनको सुबह उठाकर तैयार करती, नहलाती, स्कूल भेजती, घर आते तो खाना खिलाती, शाम को पढ़ाती, रात को भी खाना खिलाकर लोरी सुनाकर सुलाती। धनी लाल के घर एक लड्डू गोपाल जी भी थे, जिसको धनी लाल की माताजी बहुत ही मानती थी। माताजी के स्वर्गवास होने के बाद धनी लाल ने अपने मंदिर में उस लड्डू गोपाल जी को बड़ी श्रद्धा से रखा हुआ था। धनी लाल भी लड्डू गोपाल जी को बहुत ही मानता था, लेकिन सेठानी जो थी उसको लड्डू गोपाल की सेवा करना बड़ी मुश्किल लगता था। उनको लगता, सुबह उठकर इनको स्नान करवाऊं तो मेरे बेटों को कौन नहलाएगा, बाद में इनको भोग लगाऊं तो मेरे बेटों को खाना कौन खिलाएगा, रात को मैं इनको सुलाऊं तो मेरे बेटों को लोरी गाकर कौन सुलाएगा। बेटों के प्यार में वह अंधी हो चुकी थी। उसको यही बात बुरी लगती थी। इसी कारण उसने एक दिन निश्चय किया और घर के बगीचे में जाकर लड्डू गोपाल जी को दबा दिया और धनी लाल को बोल दिया कि लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए हैं। लड्डू गोपाल के चोरी होने पर धनी लाल बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। आज जब गोपाल जी को लेकर भग्गू सेठानी के पास आया तो सेठानी चिढ़ गई और उसको बोली कि तुम इसको क्यों निकाल कर लाए हो। भग्गू ने कहा कि अब मैं इसका क्या करूं। मालकिन ने कहा, तुम लड्डू गोपाल जी को अपने पास रखो और दफा हो जाओ मेरे घर से, आगे से यहाँ मत आना। क्योंकि सेठानी जी को डर था कि अगर यह सच धनी लाल को भग्गू ने बता दिया तो धनी लाल उस पर बहुत गुस्सा होगा। और धनी लाल की बीवी ने भग्गू को नौकरी से निकाल दिया। अपने आसपास रहने वाले घर के लोगों को भी कह दिया कि भग्गू चोर है, मैंने उसको अपने घर से नौकरी से निकाल दिया है, तुम लोग भी निकाल दो। तो सब लोगों ने धनी लाल की पत्नी की बात का विश्वास कर लिया और भग्गू को नौकरी से निकाल दिया। एक निर्दोष को बिना सोचे समझे उन लोगों ने एक औरत के कहने पर नौकरी से निकाल दिया। भग्गू इस बात से हैरान था कि मैंने क्या किया जो आज मुझे यह सब देखना पड़ रहा है। वह कपड़े में लड्डू गोपाल जी को लपेटकर अपने घर गया। वह रोता हुआ अपनी पत्नी को इशारों में बताता है कि यह लड्डू गोपाल जो मुझे सेठानी जी के घर से मिले, लेकिन इनके मिलते ही मेरी सारी नौकरी छूट गई, अब मैं इसका क्या करूं।
भग्गू की पत्नी रोशनी ने बड़े प्यार से लड्डू गोपाल को पकड़ा। उसके शरीर पर लगी मिट्टी और जो भी लगा हुआ था उसको झाड़कर एक कपड़े में बांध कर रख दिया। ठाकुर जी को स्नान कराकर घर के कोने में बड़ी श्रद्धा से नीचे कपड़ा बिछा कर रख दिया। भग्गू जो कि बहुत उदास था, उसको तो लग रहा था कि अब घर का गुजारा कैसे होगा। फिर उसने मन में सोचा कि लड्डू गोपाल के मिलते ही मेरी नौकरी चली गई, यह सब लड्डू गोपाल के कारण हुआ है। लेकिन रोशनी ने उसको इशारों में समझाया कि लड्डू गोपाल जी भगवान हैं, यह सब देख लेंगे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसकी पत्नी ने कहा कि जो लड्डू गोपाल के शरीर से मिट्टी उतरी है उसको कहाँ रखूं। भग्गू उस समय तो झल्लाया हुआ था, वह बोला, अपने घर के बाहर जो आंगन में मिट्टी है वहां फेंक दो। रोशनी ने वैसा ही किया। भग्गू को चिंता के कारण नींद नहीं आ रही थी कि घर का गुजारा कैसे होगा, लेकिन उसकी पत्नी तो बिल्कुल आराम से सोई हुई थी। ठाकुर जी को देखकर एक अजीब सा चैन मिला था और अजीब सी खुशी थी, और इसी आनंद में वह सारी रात बड़े सुकून से सोई। सुबह जब भग्गू उठा तो उसने देखा कि आंगन में जिस जगह पर ठाकुर जी के शरीर से मिट्टी उतार कर फेंकी गई थी, उस जगह पर बहुत ही सुंदर फूल खिल गए हैं और उन फूलों की खुशबू सारे मोहल्ले में फैल गई। सारे लोग सोचने लगे कि आज मोहल्ले में कैसी खुशबू आ रही है। सब लोग देखने आए तो भग्गू के आंगन में बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। तब उधर से एक व्यक्ति गुजरा और उसने भग्गू को कहा, तूने अपने आंगन में इतने सुंदर फूल खिला लिए हैं, यह तो बहुत ही कीमती हैं, बाजार में तो इसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी। यह सुनकर भग्गू हैरान हो गया। वह हाथ जोड़ता हुआ ठाकुर जी के आगे गया और कहा कि मुझे क्षमा कर दो जो मैंने आप पर शंका की, आपको सबका ख्याल है। तो उसकी पत्नी मंद मंद मुस्कुराने लगी कि भग्गू को भी अब ठाकुर जी पर विश्वास होने लगा है। भग्गू ने वह फूलों को उतार कर पहले कुछ फूलों को गोपाल जी के चरणों में रखा, बाकी फूल बाजार में बेचे, उसको बहुत ही अच्छे दाम मिले। अब तो वह फूल हर रोज भग्गू के आंगन में खिलने लगे और फूलों को बेचकर भग्गू माली से मालिक बन गया। भग्गू और उसकी पत्नी ने यह निश्चय किया था कि धनीलाल की बीवी ने अपने बच्चों की परवरिश के कारण लड्डू गोपाल जी को मिट्टी में दबा दिया था, आज से लड्डू गोपाल जी ही हमारी संतान है, ताकि हम भी अपनी संतान के कारण कहीं लड्डू गोपाल जी की तरफ हमारा झुकाव कम ना हो जाए। अब भग्गू एक बहुत ही बड़ा फूलों का व्यापारी बन चुका था। उसने बहुत बड़ा आलीशान मकान ले लिया था। एक दिन भग्गू जब घर पर नहीं था और रोशनी घर पर अकेली थी, तभी एक औरत बहुत बुरी अवस्था में, जिसका शरीर बुढ़ापे के कारण बहुत कमजोर हो चुका था और उसको आंखों से नजर भी नहीं आ रहा था, तभी वह रोशनी के दरवाजे पर आकर भूख के कारण, जिससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, वह बेहोश होकर गिर पड़ी। रोशनी ने उसको जल्दी जल्दी उठाया और अंदर ले गई। जब वह उठी तो उसने उसको भोजन कराया और इशारों से पूछा कि आप कौन हो, लेकिन बहुत कमजोर होने के कारण वह कुछ ना बता सकी। जब भग्गू घर पर वापस आया तो उसने उस बूढ़ी औरत को देखा तो उसको पहचानने की कोशिश करने लगा। तभी उसको ध्यान आया, यह तो वही धनीलाल की पत्नी है। उसने पूछा कि माता जी, आपका यह हाल कैसे हो गया। तो धनीलाल की पत्नी बोली, तुम कौन हो। भग्गू ने बताया कि मैं वही आपका माली भग्गू हूँ, जिस पर आपने चोरी का इल्जाम लगाकर सारे मोहल्ले से नौकरी से निकलवा दिया था, लेकिन आपके मुझ पर बहुत उपकार हैं, आपके दिए हुए लड्डू गोपाल के कारण ही आज मैं माली से मालिक बन गया हूँ। धनीलाल की पत्नी यह सुनकर फफक फफक कर रोने लगी और भग्गू के पैरों में गिरती हुई बोली, मुझे लड्डू गोपाल के पास ले चलो, संतान के कारण मैंने लड्डू गोपाल जी को जमीन में गाड़ दिया था, आज वही संतान ने मुझे घर से निकाल दिया है। मेरे पति की मौत के बाद ही मेरे बच्चों ने मुझे आंखें दिखानी शुरू कर दी, मेरा सब कुछ छीन कर अपनी पत्नियों के कहने पर मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, शायद यह मेरे बुरे कर्मों का ही फल है जो मुझे सजा मिल रही है। वह लड्डू गोपाल के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी कि मुझे क्षमा कर दो लड्डू गोपाल जी, ठाकुर जी तुम तो बहुत ही दीन दयालु और कृपालु हो। भग्गू ने उस माता जी को उठाया और कहा, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यह लड्डू गोपाल आपके बेटे की तरह ही हैं, आज से आप यहाँ रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। भक्तों, इसी तरह लड्डू गोपाल जी जिस पर कृपा करते हैं उसको माला माल कर देते हैं और पाप करने वालों को भी हमेशा क्षमा कर देते हैं।
बोलिए लड्डू गोपाल जी की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण। भक्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भक्तों, हमने devvani.com नामक वेबसाइट बनाई है, जिस पर हमने कथा, कहानियाँ, आरती इत्यादि लिखित में दिए हैं। आप एक बार उस पर जाएं, उनको पढ़ें और अपने विचार कमेंट के रूप में हमें अवश्य दें। जय श्री कृष्ण। भक्तों।